please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप है मेरे यानी राकेश सिंह के साथ, स्वागत है आपका रियलिटी टॉक में। और आज हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के बारे में। अंबुजा सीमेंट यानी कि भारत की सबसे बड़ी सीमेंट बनाने वाली है। और अगर मैं आपको कहूँ कि ये सिर्फ भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में आती है तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। भारत में तो अंबुजा को किसी परिचय की ज़रूरत ही नहीं है। आप बेशक दिल्ली में रहते हो या किसी दूर दराज के गाँव में, वहाँ पे बिजली भी ना आती हो तब भी लोग वहाँ पे अंबुजा का नाम जानते हैं। अंबुजा ने इतना प्रचार कर रखा है और इतनी प्रख्यात है अपनी मजबूती को लेकर। आपने अंबुजा का ऐड तो देखा ही होगा जिसमें दो भाई लड़ रहे होते हैं कि भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं। पीछे से आवाज़ आती है क्योंकि ये अंबुजा सीमेंट से बनी है। छोटू भैया आओ हम अपने बीच की दीवार तोड़ने। अरे सुनते हो, देखो देखो भाई क्या करे, तोड़ दो ये दीवार। क्या भैया? मैं हूँ छोटू। टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट पूरे विश्व में अपनी मजबूती के लिए मशहूर है। अब वो चाहे जम्मू हो या चाहे कन्याकुमारी। हमारे भारत में हर जगह मौसम अलग है। जम्मू में बर्फ पड़ती है, दिल्ली में ठंड भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है, कन्याकुमारी में गर्मी ज्यादा है। तो उस हिसाब से वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका मटेरियल भी उसी हिसाब का लगता है कि वो ज़्यादा सर्दी झेल जाए, ज़्यादा गर्मी झेल जाए या दोनों बराबर हो तो भी वो टिका रहे। अंबुजा सीमेंट हर ज़रूरत को पूरा करता है। इसी का फल मिला है अंबुजा सीमेंट को कि 1986 में जो इन्होंने अपना पहला प्लांट लगाया था वो केवल 60 टन सीमेंट बना पाता था सालाना, और 30 साल बाद ये सक्षम है 30 टन सीमेंट बनाने में एक साल के। अंबुजा सीमेंट ने अपना पहला प्लांट 2 साल के भीतर बना के तैयार कर दिया। ये दिखाता है कंपनी की क्षमता को, कंपनी की गुणवत्ता को। इस वजह से ये पूरे विश्व में प्रख्यात हो गए। अंबुजा सीमेंट सिर्फ सीमेंट के लिए प्रख्यात नहीं है, ये प्रख्यात है अपनी सर्विस के लिए। यही वजह है कि अंबुजा ने 4 टर्मिनल वाला एक कैप्टिव पोर्ट बनाया हुआ है जिससे ये बिना रुकावट के अपने ग्राहकों को सीमेंट की डिलीवरी कर सके। और अंबुजा सीमेंट हमारे देश की पहली वो कंपनी थी जो पानी के सहारे सीमेंट को सप्लाई करती थी, सीमेंट को अपने ग्राहकों तक पहुंचाया करती थी ताकि उन्हें सर्विस में कोई दिक्कत ना आए, उनके घर बनने में कभी रुकावट ना आए। अंबुजा सीमेंट को 5 बार इन्वायरमेंट पॉजिटिव का अवार्ड मिला हुआ है और वाटर पॉजिटिव का भी, जिसका मतलब यह है कि इनकी फैक्ट्रियाँ इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। अंबुजा की चिमनी में 1 साल में 50,000 टन पिन्नी को जलाया जाता है। ये हमारे देश में से पिन्नी को ख़त्म कर देंगे क्योंकि पिन्नी नष्ट नहीं होती और वो जब ज़मीन में रह जाती है तो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है। ये उससे हमारे प्राणियों को बचाते हैं। 2008 में कंपनी ने ज़ीरो हार्म की पॉलिसी को अपनाया था, जिसका मतलब ये था कि अब वो सारी ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जो किसी भी तरीके से थोड़ी सी भी मात्रा में हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। और उसी का फल था कि इन्हें हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंपनी का अवार्ड भी मिला राष्ट्रीय स्तर पर। अंबुजा सीमेंट केवल मुनाफे के लिए काम नहीं करता, समाज के लिए भी काम करता है। यही वजह है कि जो हमारे देश के 11 राज्यों में इनकी 21 फैक्ट्रियां हैं उसके आसपास के जो भी समुदाय और छोटे मोटे गांव हैं उन्होंने उनके गांवों के लोगों को रोज़गार भी दिया हुआ है और व्यवस्था भी दी हुई है, जिसके अंदर बिजली की व्यवस्था है, स्कूलों की व्यवस्था और स्कूलों की और हॉस्पिटलों की व्यवस्था है ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये कहानी थी अंबुजा सीमेंट की। फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पे, किसी और कंपनी के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। फॉर मोर न्यूज एंड अपडेट्स विजिट आवर वेबसाइट realtymedia.in एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल realtymedia।